तीन ऐसा हो चुका है यहाँ पे। भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का एक और मैच जहाँ पे पाकिस्तान इस बार चेस कर रहा है। बाबर आजम ने टॉस जीता था और न्योता दिया था भारत को बल्लेबाजी करने के लिए कि टारगेट बताइए हम चेस करके दिखाएंगे, लेकिन भारत ने कर दिया है कमाल। 216 का लक्ष्य दिया है पाकिस्तान को जीतने के लिए और यहाँ पे मामला ऐसा है 145 पे 3 है पाकिस्तान। हैदर अली खेल रहा है 19 पे। फकर जमान बेहतरीन फकर कराता हुआ अपने कंट्री को 53 पे नॉट आउट और यहाँ पे 15 गेंदों में 71 चाहिए जीतने के लिए पाकिस्तान को। क्या जीतेगा पाकिस्तान, ये कर लेगा 15 गेंदों में या हिंदुस्तान जीतेगा, जरूर बताओ कमेंट करके और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। कमाल का शॉट, नजाकत भरा शॉट यहाँ पे हैदर अली द्वारा। एक बार जरूर देखना चाहेंगे इस शॉट को दोबारा, किस अंदाज में खेला गया था। जस्ट यहाँ पे स्लिप लगा था लेकिन फिर भी उस गैप को ढूंढा और कमाल का चौका निकाला हैदर अली ने। 14 गेंद 67। भाई जरूर कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? गाइस दैट ये तो मुझे पुराना पता है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जरूर कमेंट करके बताओ और लाइक कर देना भाई लोग, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कदमों का इस्तेमाल और ये तमाचा, ये शॉट नहीं था, तारे मंडल पे गया भाई, गेंद हवा में था, बहुत ऊंची था और बहुत दूर भी गई है। मजा आ गया भाई ये शॉट देख के हैदर अली का। रविंद्र जडेजा जो अब तक बहुत किफायतीदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अलग लेवल का खेल दिखा रहा है पाकिस्तान का हैदर अली। 111 मीटर का छक्का, लास्ट 2 दिन से पाकिस्तान जीतता हुआ आ रहा है, क्या आज जीत के यहाँ पे हैट्रिक कर लेगा पाकिस्तान या इंडिया करने नहीं देगा हैट्रिक पाकिस्तान को? फिर से हवाई फायर और एक और छक्का यहाँ पे हैदर अली के बल्ले से। सडनली यहाँ पे टॉप गियर पे शिफ्ट कर लिया है हैदर अली ने आपको खुद को। फकर जमान तो एक तरफ है ही, यहाँ पे बिल्कुल सेट खिलाड़ी, इनफॉर्म बल्लेबाज, लेकिन हैदर अली ने भी यहाँ पे फाइनली सडनली यहाँ पे एकदम पहले गियर से टॉप गियर पे लगा दिया है गाड़ी को और बिल्कुल चौके पे और छक्के पे डील करता हुआ हैदर अली। मजा भाई इंटरेस्टिंग बन चुका है मैच फिर से एक बार, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हर वक्त इंटरेस्टिंग ही बनता है मेरे हिसाब से। 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार जो सबसे एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड गेंदबाज है उनको दिलाना चाहिए। सामने फकर जमान है और इधर भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर डाल चुके हैं अभी तक, 17 रन दे चुके हैं और 1 विकेट निकाल भी चुके हैं। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा बहुत किफायती दर गेंदबाजी किया है, लेकिन फिलहाल 12 गेंदों में 55 चाहिए जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए कि भाई ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। तो भाई जो भी देख रहे हो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना हमारे पेज को ज़रूर से और डेली शाम को क्रिकेट के लिए ज़रूर फॉलो करो, शेयर करो भाई भर भर के। देख के तो मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता, क्रिकेट में नामुमकिन कुछ नहीं होता है, देखते क्या होता है। यहाँ पे पहला गेंद और पहले गेंद पे ही इनस्विंगर अपील हुई है लेकिन मुझे लगता है नॉट आउट है। थैंक यू सो मच ऋषिकेश भाई, यहाँ पे चैलेंज लेने के लिए बोला पूछा जा रहा लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आउट था, मुझे लगता ये चैलेंज नहीं लेगा क्योंकि चैलेंज अभी गवाना नहीं चाहते। हालांकि 2 ही ओवर बाकी, फिर भी देखते हैं एक बार कि क्या ये आउट था, चैलेंज नहीं लिया था रोहित शर्मा ने, नहीं नॉट आउट था। बढ़िया फैसला अंपायर द्वारा, बहुत बढ़िया फैसला अंपायर द्वारा, करेक्ट डिसीजन। जिन जिन भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को भर भर के और कमेंट कीजिए कि क्या लगता है आपको, #इंडिया होगा या #पाकिस्तान? 2 मैच पाकिस्तान ने जीता है अभी तक लगातार, आज मौका है भारत के पास जीत अपने नाम हासिल करने के लिए। इस बार फिर से वही खिलाड़ी हैदर अली, सामने इस बार भुवनेश्वर कुमार है। हवा में खेला है शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद था और बिल्कुल कोई गलती नहीं यहाँ पे हैदर अली का विकेट निकाला है फाइनली भुवनेश्वर कुमार द स्विंग का किंग।
बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन हैदर अली का भी जवाब नहीं है भाई। हैदर अली का भी तारीफ करना बनता है यहाँ पे, कोशिश तो किया था। रविचंद्रन अश्विन ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे मिड लॉन्ग ऑफ में, एक आसान सा कैच, बिल्कुल सेफ हैंड रविचंद्रन अश्विन। और जो खतरनाक खिलाड़ी लग रहा था, खतरा लग रहा था, वो खिलाड़ी फिलहाल ग्राउंड के बाहर जा चुके हैं, पवेलियन के बाहर जा चुके हैं। पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है भुवनेश्वर कुमार ने कि भाई बहुत मार लिया आपने, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी बारी है। दो दिन तो आप लोगों ने जीत की जश्न मना ली है, और अब आज जश्न मनाने की बारी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए है, शायद इंडिया, इंडिया आज इतिहास एक बार फिर से रचने के लिए बिल्कुल है तैयार। 10 गेंद 54 रन, 10 balls 54 runs, इंडिया या पाकिस्तान, क्या लगता है भाईजान, जीतेगा कौन? बढ़िया शॉट था ये, चाहे कुछ भी जीते लेकिन ये शॉट बहुत अच्छा था। पकड़ जमान, स्टड खिलाड़ी और इनफॉर्म बल्लेबाज, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई लोग, लाइक करना बनता है भाई, और पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर द सब, ऐसे ही जबरदस्त मैच देखने के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए शेयर कर दो भाई, अपने अपने दोस्तों को शेयर करके ये इंटरेस्टिंग मैच जरूर दिखाना। मजा आ गया, 9 गेंदों पे 50, अब गेंद कोई भी हो रहा है लेकिन बल्ला घूम रहा है, क्योंकि बल्ला घुमाना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ये देखो फिर से बल्ला घुमा है, हवा में गेंद जरूर है लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और छक्का फकर जमान के बल्ले से, मजा आ गया। जो अच्छा खेलता है उल तो भाई, अच्छे शॉट का तो भाई तारीफ करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना बनता है। 4 गेंद और अभी तक 11 रन दे चुका है भुवनेश्वर कुमार, 8 गेंदों में 44। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा यहां से पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाम है क्रिकेट, खेल है क्रिकेट, और ये है अनिश्चितों का खेल, यहाँ पे सारा प्रेडिक्शन होता है फेल। मजा आ गया, थैंक यू सो मच भाई लोग जो भी लाइक कर रहे हो, कमेंट करके बताओ क्या आपको अभी भी लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, या अभी भी आप पाकिस्तान के सपोर्ट में हो, पाकिस्तान के जो भी ऑडियंस है, करके लाइक करो शेयर करो। 7 गेंद 38 रन, मुझे लगता नहीं भाई ये हो पाएगा, मुझे लगता नहीं कि ये जीत पाएगा पाकिस्तान कोई भी एंगल से, लेकिन कोशिश का भाई, जो कोशिश कर रहा है ना फकर जमान, उसका तारीफ होगी, उसकी तारीफ होनी चाहिए, जीते या हारे पाकिस्तान, लेकिन जो कोशिश हो रही है यहाँ पे जिताने का, इसका तारीफ होना चाहिए। और आखिरी ओवर एकदम इंटरेस्टिंग गेंदबाज आएगा युजवेंद्र चहल, रिक्वायर्ड रन रेट एक बार देखेंगे, अगर रिक्वायर्ड रन रेट के बारे में है तो वो है 31 रन, 6 गेंदों में 32 रन, अगर 5 छक्का भी लगेगा तो भी नहीं जीत पाएगा। बस युजवेंद्र चहल को यहाँ पे नो बॉल वाइड बॉल नहीं करने हैं, खास करके नो बॉल तो बिल्कुल नहीं करने हैं, 6 गेंदों में 6 छक्का लगेगा तभी पाकिस्तान जीत सकता है। तो क्या लगता है भाई लोग, आप ही यहां से क्या लगता है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? 6 गेंद 32 रन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टारगेट है, लेकिन साथ देनी पड़ेगी पाकिस्तान के बल्लेबाजों का कि ये छोटा ग्राउंड जो है इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, और भाई छक्के पे डील कर रहा है भाई। अभी तक मैं देख रहा हूँ लास्ट लगातार 4-5 गेंदों में सिर्फ छक्के लगे हैं। हेलो प्रभु भाई, क्या हाल चाल, जो भी भाई लोग नए हो ना प्लीज़ एक लाइक कर देना, फॉलो कर देना, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कैप्टन जोन को, और भर भर के शेयर करना, शेयर करो अपने दोस्तों को, ऐसे इंटरेस्टिंग मैच डेली डेली देखने को नहीं मिलते। कोशिश कर रही है दोनों टीम, लेकिन इस बार नहीं, पैरों पे गेंद था, इस बार चौका गया है, छक्का नहीं आया है, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच अब नहीं जीत सकता। थैंक यू सो मच प्रथु श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए।
थैंक यू सो मच भाई लोग। 4 गेंद 22 रन, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये जीत सकता है एक टाइम पे, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने कमबैक किया भाई, अब तो नहीं होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 3 गेंद 21 रन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और युजवेंद्र चहल को इसीलिए लगाया गया था कि भाई यूजी चहल चहल पहल कर देता है, जब जब गेंदबाजी में आता है चहल पहल कर देता है। ये हुई है ना बात, मजा आ गया भाई, कुछ भी कहो लेकिन आज मैच में मजा बहुत आया, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से हवा में गेंद, फिर से बड़े शॉट के लिए गया है, और मुझे लगता है बिल्कुल छक्का मिलेगा फखर जमान को। पाकिस्तान चाहे हार जाए लेकिन इस खिलाड़ी ने, ये जो फखर जमान, पूरे पाकिस्तान को फखर होता है इस खिलाड़ी के ऊपर, इसीलिए नाम ही फखर जमान है भाई। तो मजा आ गया भाई, इस खिलाड़ी ने आज मजा दिला दिया, 41 गेंदों में 81 नवाद बल्लेबाजी करता हुआ। तो भाई लोग 1 गेंद 15 रन, ना 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 ना, 1 गेंद में 15 रन तो हो ही नहीं सकता, एक सिंगल लेके 13 रन से भारत का जीत यहां पे होता हुआ। युजवेंद्र मैजिकल चहल ने मैजिक आखिर कर दिया, लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत मायूस यहां पे फखर जमान, क्योंकि बहुत बढ़िया खेला था फखर जमान ने और ऑलमोस्ट मैच जिताने के करीब लेके चला गया था भाई। मजा आया देख के, लेकिन आपको भी अगर मजा आया इस मैच को देख के तो जरूर से इंडिया के लिए एक एक लाइक कर देना, शेयर कर देना भर भर के। 13 रन से इंडिया ने जीता है इस मैच को, मिलते हैं आप सभी।